इस एपिसोड में आपका स्वागत है। कई बार हम बात करते हैं कि भैया कुछ ऐसे जॉब्स बताइए जिसमें प्रोग्रामिंग नहीं करनी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनना है, डेवलपर नहीं बनना है, पर फिर भी हमें टेक में रहना है। टेक में क्यों रहना है? क्योंकि भैया टेक में पैसा है, रुपया है, रुतबा है, और उसके साथ साथ एसी में रहते हैं, बढ़िया खाना मिलता है, तो लाइफ का वर्क का एक क्वालिटी है और टेक ही फ्यूचर है, तो हम उसमें ही रहना चाहते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डेवलपमेंट से कभी कभी हमें डर लगता है, मन नहीं करता है, तो हम फिर भी टेक वर्ल्ड में रहना चाहते हैं। तो आज मैंने क्या किया, बहुत सारे रोल्स पे रिसर्च किया, एक लिस्ट बनाई, तो हम पांच मोटे मोटे रोल्स की बात करेंगे, पर उन पांच रोल्स के अंदर बहुत सारे जॉब्स हैं। इन रोल्स में मैंने उनको ही रखा है जिसके डिमांड बढ़ती जा रही है, जिसके अराउंड कोई भी स्कैम है, जैसे कि वेब 3 डेवलपर, उनको तो हम कभी नहीं रखते हैं, क्योंकि उसमें वेब 3 डेवलपर में भी डेवलपमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, टाइम पास होता है। और भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको हमने हटा दिया, हमने कहा जिसमें अच्छा अच्छा डिमांड है, एक डिमांड होना चाहिए, दूसरा फ्रेशर की एंट्री होनी चाहिए, तीसरा करियर लैडर होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि पहली जॉब के बाद सैलरी ना बढ़े, ग्रोथ ना हो, लर्निंग ना हो। और इन तीन कसौटी पर हम अलग अलग रोल को रखेंगे और समझेंगे कि कौन सा रोल हमारे लिए अच्छा है, बुरा है, इंटरेस्टिंग है, नहीं है, और शायद इस वीडियो के अंत तक आपको अपने लिए एक नॉन कोडिंग टेक रोल पसंद आ जाए। सबसे पहले रोल की जो हम बात करेंगे वो है एडमिनिस्ट्रेटर रोल की। इसी रोल से मैंने अपना खुद का करियर भी स्टार्ट किया था। अब एडमिनिस्ट्रेटर रोल के अंदर बहुत सारे रोल्स होते हैं, लेकिन हम तीन रोल्स की बातें करते हैं। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, दूसरा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, और तीसरा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। इसका क्या मतलब होता है? सबसे पहले ये समझते कि इंसान करता क्या है। एडमिनिस्ट्रेटर नाम का जंतु जो है, जो विचरता है एक टेक कंपनी में, तो करता क्या है? तो अधिकतर टेक कंपनीज में, जैसे मैं साइप्रस सेमीकंडक्टर था, वो एक सेमीकंडक्टर टेक कंपनी थी, उनके अपने एक डेटा सेंटर होते हैं। डेटा सेंटर पे ढेर सारे सर्वर्स लगे रहते हैं रैक में, वो सारे सर्वर जो हैं एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, और ऐसे कई सारी लोकेशंस होते हैं, और सारे लोकेशंस भी एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, और इन सर्वर्स में डेटा स्टोर होता है, तो कई बार डेटा बेस का यूज भी किया जाता है। तो पहले आप ये समझे कि जो इम्प्लॉय काम कर रहा है सिर्फ अपने लैपटॉप पे नहीं काम कर रहा है, एक उसके पास भारी मशीन दी गई है उसको, जहां पर वो ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसिंग कर पाए। जैसे हमारा वीडियो एडिटर है, वो आज कह रहा था कि तने होता क्या, रेंडरिंग में बहुत टाइम लगता है, हमारा छोटू सा जो लैपटॉप है उस पर रेंडरिंग हो नहीं पाती, तो हमने उसको एक और बड़ा मशीन दिया, कहा इस पे करो रेंडरिंग ताकि जल्दी जल्दी हो पाए। ये हर जगह होता है। सेमीकंडक्टर में सेमीकंडक्टर की रेंडरिंग करनी पड़ती है, कहीं पे आपको कोड होता है तो उसको चलाने के लिए, उसको कंपाइल करने के लिए आपको एक पावरफुल मशीन मिलती है। तो ऐसे सर्वर बहुत सारे होते हैं जो आप इंटरनल डिजाइन रेंडरिंग वगैरह के लिए यूज करते हैं। तो पहली चीज आपको ये समझ में आएगी कि ये करते क्या है एडमिनिस्ट्रेटर। इन सबका रख रखाव, देखभाल, ये चरवाहा की तरह गाय भैंसों की जैसा ध्यान रखा जाता है, वैसे सर्वर का, नेटवर्क का और बाकी चीजों का ध्यान रखा जाता है। बड़ा मजेदार होता है, और सिर्फ ध्यान नहीं रखते हैं, नया नया कैपेसिटी को प्लान करते हैं, अपग्रेड करते हैं, बहुत सारा काम होता है इसके अराउंड। क्यों इनकी जरूरत है? दूसरी चीज हम सोचेंगे कि why do we need, इसलिए क्योंकि जितना ज्यादा काम है आजकल के जमाने में वो तो टेक पर मूव करता जा रहा है, वो सर्वर्स पर मूव कर रहा है, डेटाबेस पर मूव कर रहा है, नेटवर्क पे मूव कर रहा है, तो भैया कोई तो चाहिए जो इसको लगाए, बढ़ाए और चलाए, है ना। तीसरी चीज जो हम बात करेंगे इस रोल में कि क्या लर्निंग चाहिए होती है। देखो इसकी लर्निंग कोड की बहुत कम, बल्कि सर्वर और नेटवर्क की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसी तरह बहुत सारी सर्वर की, नेटवर्क की अंडरस्टैंडिंग, डेटाबेस की अंडरस्टैंडिंग, डेटाबेस में भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। क्लस्टरिंग कैसे होती है, डुप्लीकेशन कैसे होते हैं, एचएस सिस्टम्स यानी कि हाई अवेलेबिलिटी सिस्टम्स कैसे डिजाइन किए जाते हैं, ये सब वर्ड्स जो मैं आपको बोल रहा हूँ अभी शायद आपको जार्गन लग रहे होंगे, लेकिन ये चीजें आपको पता होनी चाहिए और अच्छी समझदारी होनी चाहिए कि कैसे क्या काम करता है। इन समझदारियों को टेस्ट करने के लिए बहुत सारे सर्टिफिकेशंस हैं। यहाँ COMPTIA का सर्टिफिकेशन है, CCNA का सर्टिफिकेशन है, सर्वर का रेड हैट का सर्टिफिकेशन है, डेटाबेस में माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, हर किसी का सर्टिफिकेशन है। तो सर्टिफिकेशंस के थ्रू आप अपनी गुणवत्ता यानी कि अपनी क्वालिटी प्रूव कर सकते हैं और घुस सकते हैं। चौथी कसौटी जो हमारे लिए है वो ये है कि क्या इसमें करियर लैडर है, यानी कि मैं जो जॉब जाऊंगा क्या उसके बाद सीखने के लिए बहुत कुछ है, और क्योंकि मैं सीखते जाऊंगा तो क्या मेरे पैसे भी बढ़ते जाएंगे। जी हाँ, बहुत कुछ है। आप एक नॉर्मल नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर से शुरू करते हो, उसके बाद आप एडमिनिस्ट्रेटर बनते हो, एडमिनिस्ट्रेटर के बाद आप सीनियर बनते हो, सीनियर के बाद आप अपना कोर राउट चुनते हो कि मैं डेटाबेस का ध्यान रख सकता हूँ, यानी कि मैं ओरेकल डेटाबेस में ही एक्सपर्ट हूँ, या मैं सिस्को के नेटवर्क में ही एक्सपर्ट हूँ, या मैं सिस्को के नेटवर्क में सिक्योरिटी में एक्सपर्ट हूँ, सिस्को के स्विचेस में एक्सपर्ट हूँ, या मैं इस तरह के सर्वर्स में एक्सपर्ट हूँ। बहुत सारी चीजें होती हैं यहाँ पर, स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, यहाँ पर अपने करियर की एक लंबी लकीर बना सकते हो। तो चारों कसौटी पर यह रोल खरा उतरता है, इसलिए यह है तने भैया
रिकमेंडेड। लंबा वीडियो है, देखते देखते कहीं ये मत भूल जाना कि आपको सब्सक्राइब भी करना है, ऐसी चीज दोबारा मिस आउट ना हो जाए, इसे सब्सक्राइब जरूर करना। अब दूसरे रोल पे आते हैं। दूसरा रोल है मैनेजर का, और मैनेजर के रोल के अंदर भी तीन चीजें होती है। एक होता है प्रोडक्ट मैनेजर, जो बहुत ही ज्यादा आजकल बातों में है, दूसरा है प्रोग्राम मैनेजर, और तीसरा होता है प्रोजेक्ट मैनेजर। अब मैनेजर सुनकर कुछ लोगों की बाछें खिल गई होंगी, उनको लगा हाँ यही बनना है, मैनेजर ही बनना है, जिंदगी में अपना एक ही मकसद है, मैनेजर बनेंगे। लेकिन बाबू आप लोगों का जो बबल है इस पे को पिन मारते हुए हमको बहुत मजा आएगा, काहे कि फिर मैनेजर बोलने से आपको कोई रिपोर्ट नहीं करता। इन तीनों रोल में इनफैक्ट मैनेजर बोला जाता है आपको, प्रोग्राम का, प्रोडक्ट का या प्रोजेक्ट का, लेकिन एक आदमी भी आपको रिपोर्ट नहीं करता। उल्टा आपको जी हुजूरी करके लोगों से काम करवाना पड़ता है। जो यूजर की नीड होती है, एक यूजर की, एक क्लाइंट की एक जरूरत होती है, उसको वो कन्वर्ट करते हैं कि भाई इसमें क्या बनेगा, कब तक बनेगा, कैसे डिलीवरी होगी, बहुत सारी चीजें होती हैं। और क्यों जरूरी है, ये दूसरी कसौटी है ना। तो क्यों जरूरी है, क्योंकि डेवलपर जो है वो थोड़े, मतलब कैसे बोलूं बुद्धू किसी को, बट थोड़े उस तरह के लोग होते हैं कि भैया हमें तो बता दो क्या कोड करना है और हमारे सामने से हट जाओ, हम कर देंगे कोड। लेकिन जाकर अगर हमें यूजर से बात करने बोल दो, क्लाइंट से बात करने बोल दो, अगर हमसे पूछ लो कि अगले एक महीने में क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, कब क्या डिलीवरी होगी, तो कसम से मतलब कुछ निकल जाएगा मुंह से हमारे। ऐसे होते हैं डेवलपर, तो उनको ना बहुत सुरक्षा में रखा जाता है कि भाई आप लोग तो बड़ी एंडेंजर्ड यानी कि लुप्त प्राय प्रजाति हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है क्लाइंट से बात करने के लिए। हम प्रोडक्ट रखेंगे, प्रोग्राम मैनेजर रखेंगे, डिलीवरी टाइमलाइंस बताने के लिए हम एक प्रोजेक्ट मैनेजर रखेंगे, आपके काम को काट काट के छोटे छोटे बताने के लिए भी इनमें से एक मैनेजर रहेगा, और वो प्यार से आपसे पूछेगा कि वो जो काम होना था वो हो गया क्या, उसका क्या अपडेट था। तो इसलिए ये डिमांड में है, क्योंकि ये लोग इंश्योर करते हैं कि कंपनी का बिजनेस सही से चलता रहे, चीजें डिलीवर सही से हो, क्लाइंट खुश हो या यूजर खुश हो। अब तीसरी कसौटी कि इसमें सीखने के लिए क्या करना पड़ता है, ये हमें पता है क्या? बिल्कुल पता है। देखिए, मैनेजरियल स्किल्स तो चाहिए। अब फिर से मैनेजर का मतलब बॉस मत समझिएगा, भारत में ये परेशानी होती है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्किल बहुत बहुत आवश्यक है, डेटा की समझदारी भी आपको चाहिए होती है, और इसमें एक सर्टिफिकेशन होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, पीएमपी, जो कि बहुत फेमस है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। इसको भी आप देख लीजिए, ये करके भी लोग एंट्री लेवल जॉब में 5 लाख की सैलरी यहाँ भी आपकी लग जाती है, अगर आप थोड़ा सा अपना कम्युनिकेशन अपना अच्छा रखते हैं, मतलब हिंदी अंग्रेजी बोल पाते हैं, इंग्लिश लिख पाते हैं, और कम्युनिकेशन मतलब सिर्फ भाषा तो होती नहीं है, है ना, वचन वाचन भी होता है, कैसे किसी से काम करवाया जाए, कैसे किसी को बात बताई जाए, अगर डिले हो रहा है तो कैसे समझाया जाए कि क्यों हो रहा है, ये सब आपको आना चाहिए। और चौथी कसौटी जो है वो है कि क्या यहाँ करियर लैडर है। तो मैं आपको बता दूं कि करियर लैडर यहाँ भी अच्छा है, काफी लर्निंग होती जाती है, जैसे जैसे आप ग्रो करते हो, लोग वीपी ऑफ प्रोडक्ट, वीपी ऑफ प्रोजेक्ट, वीपी ऑफ प्रोग्राम मैनेजर तक पहुंच जाते हैं, और कहीं कहीं तो सीपीओ भी हो जाते हैं, यानी कि चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर भी होता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर, ऐसे करके लोग चेंज भी कर लेते हैं इसके बीच में फील्ड्स। काफी अच्छा करियर है, कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जो बहुत एंजॉय करते हैं इस करियर को, और अच्छा खासा पैसा भी बना रहे हैं। तो ये गड़बड़ यहाँ नहीं कि पैसा नहीं बढ़ेगा, लर्निंग नहीं होगी। जितना ज्यादा आप हाई स्टेक यानी कि उच्च दाव, मतलब ज्यादा पैसे वाले प्रोजेक्ट्स, ज्यादा बढ़िया बढ़िया क्लाइंट को आप पकड़ के समझाने लगोगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स को आप हैंडल करने लगोगे, उतना ज्यादा आपका स्किल और बढ़ता जाएगा, और साथ साथ सैलरी बढ़ती जाएगी। तो दो रोल हमने कर लिया, बहुत अच्छा। अब तीसरा सोचते हैं कि तीसरा क्या है जो तने भैया अप्रूव कर रहे हैं। तीसरा रोल है एनालिस्ट का। एनालिस्ट सुनने में कितना अच्छा लगता है, कितना प्यारा लगता है। एनालिस्ट में भी दो तरह के रोल्स होते हैं, बिजनेस एनालिस्ट का रोल और डेटा एनालिस्ट का रोल होता है। बिजनेस एनालिस्ट क्या करता है, वो बोलता है देखिए बिजनेस को चलना है, टेक से चलना है, लोगों से भी चलना है, और उसके लिए प्रोसेसेस भी जरूरी हैं, तो उनको डॉक्यूमेंट करके कैसे चलाया जाए, कैसे चलवाया जाए, उनके लिए क्या जरूरी है, आईटी टीम क्या बनाए, वो सब भी करना होता है, उसको भी किसी को डॉक्यूमेंट करके समझाना। हमने क्या कहा था कि जो टेकी होते हैं, जो कोडर होते हैं, बड़े मतलब इंडेंजर्ड प्राणी होते हैं, उनको बोलोगे जाके बिजनेस समझो और उसके लिए प्रोडक्ट बनाओ। सुनो ईना होवे, तो बिजनेस एनालिस्ट ये करता है कि देखो ये बिजनेस की इंटरनल रिक्वायरमेंट है, इसको कन्वर्ट कर दो, इसके लिए एक आईटी प्रोडक्ट बना दो। डेटा एनालिस्ट क्या करता है, इसके बारे में विस्तार से भी बात किया है, कृपया ये वाला वीडियो जरूर देखें और सब्सक्राइब करना ना भूले, बीच बीच में मैं बोलता रहूंगा। लेकिन डेटा एनालिस्ट क्या करता है, कंपनी के पास भर भर के बहुत सारा डेटा आता है। आजकल डेटा इज द न्यू ऑयल, लेकिन ऑयल की तरह जो है ये काम भी बहुत ज्यादा है, और ये निकालने का काम कौन करता है, डेटा एनालिस्ट। तो पहली कसौटी क्या करते हैं, दूसरी कसौटी ये है कि क्या वो डिमांड में है। हाँ भाई,
बहुत डिमांड में है। क्यों? क्योंकि इंजीनियर के साथ कोई अपना माथापच्ची करना नहीं चाहता, तो बिजनेस एनालिस्ट उसका काम कर देते हैं। दूसरा डेटा एनालिस्ट को ऐसा टिकट टिकट इसमें इतना सारा डेटा क्या आपको बुझा रहा है? कुछ समझ में भी आ रहा है? कुछ आ रहा है इसमें से नहीं, लेकिन इसी में मैंने इसको एक और चार्ट में बदल दिया, एक तरफ टेबल्स लगा दिए। It's magic. तो यही मैजिक करते हैं डेटा एनालिस्ट। वो बोलते हैं कि भैया जो डेटा है उससे हम एक्शनेबल इनसाइट निकालेंगे और आपको बताएंगे कि आपका बिजनेस अच्छा कर रहा है या बुरा। तो इसलिए इन दोनों की डिमांड, एनालिस्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है। तीसरी कसौटी ये है, क्या लर्निंग करनी पड़ती है? तो डेटा एनालिस्ट के लिए हमने बहुत विस्तार से बात की है कि एक्सेल और SQL बहुत अच्छे से आना चाहिए, विजुअलाइजेशन टूल्स आना चाहिए। उसी तरह बिजनेस एनालिस्ट के लिए आपको कम्युनिकेशन और प्रोसेसेस की समझ होनी चाहिए, और इन दोनों में ही आपको थोड़े प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन स्किल भी चाहिए होती है, क्योंकि आप स्टेक होल्डर यानी कि कंपनी में जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनसे आपको बात करनी पड़ती है। चौथी कसौटी यह है कि क्या इस रोल में करियर लैडर है? करियर लैडर है जी, बहुत अच्छा करियर लैडर है, काफी पैसे बनते हैं, काफी ग्रोथ होती है अगर आप सीखते रहना चाहो। और इसमें भी सेम चीज है, जैसे जैसे आप बड़े पीसेस हैंडल करते हो आपके अंदर टीम आ जाती है, आपको रिपोर्ट करने लगती है, आप सीनियर होते हो, फिर मैनेजर होते हो, फिर VP तक हो जाते हो। आज के समय में डेटा और बिजनेस एनालिस्ट दोनों के डिमांड बहुत ज्यादा है और एक अच्छा करियर प्रोग्रेशन है। बहुत लोग बिजनेस एनालिस्ट से मूव कर जाते हैं प्रोडक्ट के साइड भी, प्रोडक्ट मैनेजर भी बन जाते हैं, डेटा एनालिस्ट वाले भी डेटा साइंस में मूव कर जाते हैं बहुत ज्यादा आगे जाके। तो बहुत रोल कन्वर्जन भी है और एक अच्छी लंबी लकीर करियर की यहाँ पर है, आपको इसमें भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। मजा आ रहा है, आप कुछ सीख रहे हैं? मेरे पास इन हर टॉपिक के डिटेल्ड 5-10 वीडियो बनाने की क्षमता है, क्योंकि मैंने इन सब पे थोड़ा थोड़ा काम किया और काफी कुछ बनाया है। आपको किस टॉपिक पर डिटेल्ड वीडियोस चाहिए, लंबी लकीर पे सीरीज चाहिए, बिना भूले कमेंट में लिखते जाइएगा। चौथी फील्ड की हम बात करेंगे, जो थोड़ी कम सुनी हुई फील्ड है, लेकिन कुछ लोगों से मैं मिला और फिर मुझे इस फील्ड की थोड़ी समझदारी बढ़ी, तो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। ये फील्ड है टेक्निकल राइटर का। मुझे इसमें इसलिए इंटरेस्ट हुआ क्योंकि मैंने देखा कि यार चाहे वो गूगल हो या माइक्रोसॉफ्ट, बड़ी से बड़ी कंपनीज में टेक्निकल राइटर को सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर के एट पार सैलरीज मिल रही है। ये बड़ी मजेदार बात है। क्यों मिल रही है? क्योंकि इनका काम भी दो डोमेन को समझकर एक प्रोडक्ट बनाना होता है। टेक्निकल राइटर क्या करता है? टेक्निकल राइटर बोलता है कि यार डेवलपर्स ने एक प्रोडक्ट बनाया, उसकी API लिख दी। अब उस API को जो लिखा है उसको किसी को समझाना बहुत मुश्किल है, एक बाहर वाले आदमी के लिए काला अक्षर भैंस बराबर। आप देख रहे हैं कि डेवलपर्स कितनी समस्याएं क्रिएट करते हैं सिस्टम में। वो बोलते हैं हम ये डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे, ना जाओ यहां से। तो उसके लिए रखा जाता है टेक्निकल राइटर। वो बोलता है कि ठीक है, तुमने जो API लिखी है मुझे समझा दो, मैं इसको इस तरीके से करूंगा या करूंगी कि जो एक्सटर्नल यूजर है, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है, उसको भी यह समझ में आ सके कि आखिर हो क्या रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कोई बहुत सारे डेव APIs रिलीज करता है ताकि आप उनके प्रोडक्ट्स को अपने हिसाब से यूज कर सके, लेकिन अगर आप समझ ही नहीं पाओगे कि वो प्रोडक्ट है क्या, आप कैसे यूज करोगे? जैसे स्ट्राइप या रिजर्व का एग्जांपल लीजिए, वो पूरी की पूरी API कंपनी है, उसका कुछ खुद का प्रोडक्ट कम है लेकिन API बहुत ज्यादा है, और API समझ में ही नहीं आए तो यूज कैसे करेंगे। तो ये फील्ड भी बहुत बड़ा होता जा रहा है, जहां पर अगर आपको टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है, अगर आपको टेक से भय नहीं लगता, डर नहीं लगता, और आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपका फिर से मैं कहूंगा सिर्फ भाषा की बात नहीं हो रही, कम्युनिकेशन अगर आपका अच्छा है, दोनों चीजें अगर आपकी अच्छी हैं, तो आप एक बहुत बेहतरीन टेक्निकल राइटर बन सकते हैं। चौथी कसौटी है कि क्या यहाँ करियर लैडर है? इसको तो मैंने शुरू में ही कहा था कि मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट ही इसलिए आया जब मैंने देखा कि बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी कंपनीज, आज एक छोटा स्टार्टअप भी शुरू होता है तो एक टेक्निकल राइटर रखता है अगर वो ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है, तो बड़ी कंपनीज में तो भर भर के टेक्निकल राइटर्स हैं। तो मुझे इस बात समझ में आई कि अच्छा करियर लैडर यहाँ पर भी है, इन दोनों का मेल आपके पास है, अच्छी फील्ड आपके लिए एक अच्छा रोल हो सकता है। पांचवा रोल, सबसे प्यारा रोल, सबसे अच्छा रोल, मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग रोल मैंने आपके लिए बचा के रखा था। ये फिफ्थ नहीं है, ये रैंक वन है। तो रैंक वन पे है क्लाउड कंप्यूटिंग। आप बोलोगे क्लाउड कंप्यूटिंग, तो मैं बता दूं इस क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है। एक हमारे पास बिजनेस है, हमने एक धंधा फैलाया, वो धंधा एक टेक का धंधा है। अब हमें क्या लग रहा है भैया, सारा का सारा चीज हम अपने सर्वर अपने डेटाबेस पे काहे करें, अपना नेटवर्क का जाल काहे फैलाए। जो Amazon ने इतने इतने सर्वर फार्म लगा के रखे हैं, जो Google ने लगा के रखे हैं, Microsoft ने लगा के रखे हैं, तो उन फार्म में क्यों ना खेती करें, मतलब क्लाउड का उपयोग क्यों ना करें, कॉस्ट बचाए। क्यों कॉस्ट बचाए? क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है, जब आप एक सर्वर खरीदते हो तो सर्वर का पैसा लगता है, सर्वर रैक लगता है, उसमें नेटवर्क
नेटवर्क लगता है। नेटवर्क आपको ऐसा नहीं है कि जियो वाला नेटवर्क यूज कर ले कि भैया थोड़ा वाईफाई दे दीजिए हॉटस्पॉट से सर्वर कनेक्ट हो जाएगा, नहीं, आपको लीज लाइन लेनी पड़ती है एयरटेल से बाकी जगह से, एक लीज लाइन आती है, फिर आपको उसके लिए राउटर खरीदना पड़ता है, राउटर बैठाना पड़ता है, उसके बाद डेटा सेंटर लगता है, डेटा सेंटर में एसी लगता है, उसकी सिक्योरिटी लगती है, इन सर्वर्स की सिक्योरिटी लगती है, नेटवर्क की सिक्योरिटी लगती है, इन सबका बैकअप लगता है, इन सबकी देखभाल लगती है, एक डीबीए लगता है, एक सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर लगता है, एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर लगता है। तो क्या लग रहा है आपको सबसे ज्यादा खर्चा लग रहा है एक कंपनी शुरू करने में, अगर आप सब कुछ अपने घर के अंदर कर रहे हैं तो आप बोलते हैं कि ऑन प्रमाइस हम शुरू में नहीं करेंगे या बाद में भी नहीं करेंगे, हम पूरा का पूरा क्लाउड में रहेंगे। और क्लाउड में लेकर जाएगा कौन? क्लाउड इंजीनियर लेकर जाएगा आपको। इसलिए ये क्लाउड इंजीनियर ये करता है कि अगर आपके डेवलपर्स ने एक ऐप लिखा, उसको कुछ चाहिए, उसको कहां सर्वर चाहिए, कहां डेटाबेस चाहिए, वो सब कुछ ही कॉन्फिगर करके देता है। दूसरी कसौटी जो होती है कि क्या इसकी डिमांड बहुत है? ओ भाई भर भर के बहुत डिमांड है। क्यों डिमांड है इतनी ज्यादा? क्योंकि आज की कोई भी जो टेक्निकल कंपनी है वो इतनी सारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्यों करे? करती है, बड़ी कंपनीज करती है, पर एक टाइम के बाद करती है। आप ड्रॉपबॉक्स को देख लो, आप नेटफ्लिक्स को देख लो, ये सब एज अ क्लाउड कंपनी शुरू हुई और धीरे धीरे इन्होंने अपना डेटा सेंटर भी लगा लिया। तो ये हर एक टेक कंपनी कर रही है आज के समय में, इसीलिए काफी ज्यादा डिमांड है। तीसरी कसौटी की क्या इसमें फ्रेशर घुस सकते हैं? हाँ यार, आराम से। इसमें भी बहुत सारे सर्टिफिकेशन, Azure का अपना है, AWS का अपना है, GCP का है, कोई पूछता नहीं है, बट है, मतलब Google वाले लोग ऑफेंड हो जाए तो हो जाए, हाँ है क्या। तो मेजर AWS विनर है, Azure सेकंड है, GCP और डिस्टेंट थर्ड है, ठीक है, बाद में बात करेंगे इसके ऊपर। लेकिन सर्टिफिकेशन करके और क्लाउड को समझ के, सिर्फ सर्टिफिकेशन करके नहीं, सिस्टम को समझ के आप इसमें घुस सकते हो। इसमें चौथी कसौटी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि क्या इसमें करियर लैडर है? ओ भाई बहुत प्यारा करियर लैडर है। आप शुरू करते हो क्लाउड कंप्यूटिंग से, फिर आप डेवऑप्स में घुस सकते हो, एसआरई में घुस सकते हो, क्लाउड में रह सकते हो, बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, सीनियर बनते हो, मैनेजर बनते हो, बड़ी बड़ी कंपनीज के बड़े बड़े क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करते हो और काफी सारा पैसा है। अगेन, छोटी से लेके बड़ी कंपनी तक हर जगह आपको क्लाउड मैनेज करने के लिए तो कोई चाहिए। इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट में मैंने खुद ये देखा, हमारे Azure है ना, Azure एज अ प्रोडक्ट हमारा, फिर भी हमारे टीम में, जैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में जब काम करता था या आउटलुक में काम करता था, कुछ लोग डेडिकेटेड एसआरई रहते थे। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर बैठ के इस टीम के लिए, इस प्रोडक्ट के लिए, टीम्स प्रोडक्ट के लिए, आउटलुक प्रोडक्ट के लिए क्लाउड को मैनेज कर रहे हैं। तो हर कंपनी में, छोटी कंपनी हो बड़ी कंपनी हो, उनका अपना प्रोडक्ट हो या नहीं हो, हर जगह आपको क्लाउड मैनेजर तो चाहिए होता है। इसलिए काफी बढ़िया डिमांड और काफी अच्छा करियर ग्राफ है विदाउट कोडिंग नॉलेज। इसमें कोडिंग नॉलेज की बहुत जरूरत नहीं पड़ती, छोटे मोटे स्क्रिप्ट चाहिए होते हैं, वो आप सीख जाते हो टाइम के साथ। देखो बंधु, आप इतनी दूर तक देखे तो आपको पसंद तो आया ही होगा, तो लाइक तो कर दो पहले, और उसके बाद शेयर कर दो अपने मित्रों से, और सब्सक्राइब करिए बिना तो जाना मत। और जो मैंने कहा था कि कौन सी सीरीज चाहिए इन पांचों में से, उसका कमेंट भी नीचे डालते जाना, जो सीरीज विनर होगी उसके वीडियोस आएंगे।